नरेंद्र भाई, आपकी दुकान पर मास्क और सैनिटाइजर है क्या? नहीं भाई, अभी मेरे पास तो नहीं है। कमाल है नरेंद्र भाई साहब, आप तो हर सीजन के हिसाब से माल बेचते थे, फिर कोरोना सीजन की चीज़ें क्यों नहीं हैं? आपको मास्क, सैनिटाइजर ये सब मंगवाना चाहिए। आप सही कह रहे हैं, मैं कल ही शहर जाऊंगा और कोरोना की सारी चीज़ें लेके आऊंगा। राजू, ये लो चाबी, मैं शहर जा रहा हूँ कुछ सामान लेने। तुम टाइम पर दुकान बंद कर लेना, मुझे शहर से आने में देर भी हो सकता है। हमारे पास तो सभी प्रकार के सामान हैं, फिर और क्या सामान की ज़रूरत है? अरे बुद्धू, अभी कोरोना का सीजन है और यहाँ आसपास किसी भी दुकान पर सैनिटाइजर और मास्क नहीं मिल रहा है। अगर मैं मास्क और सैनिटाइजर लाता हूँ तो हमारी दुकान की बिक्री और भी बढ़ जाएगी और उसे हम और भी अधिक दाम पर बेच सकते हैं। ठीक है। भाई मास्क है? नहीं है भाई, कहीं और से देख लो। ठीक है, मैं कहीं और से देख लेता हूँ। भैया मुझे मास्क और सैनिटाइजर चाहिए, मिलेगा क्या? अरे भाई, मेरे पास मास्क और सैनिटाइजर तो नहीं है। भैया मुझे मास्क और सैनिटाइजर चाहिए, मिलेगा क्या? मास्क और सैनिटाइजर तो अभी मेरे पास नहीं है और जहाँ तक सुनने में आ रहा है मास्क और सैनिटाइजर किसी भी दुकान में उपलब्ध नहीं है। मास्क ना, सैनिटाइजर ना, कोरोना की दवा कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्या करूँ? एक काम करता हूँ, घर वापस चला जाता हूँ। अगर कस्टमर मेरी दुकान से खाली हाथ लौटता है तो दोबारा वो मेरी दुकान में नहीं आएगा। क्या करूँ? अरे राजू, हमारी दुकान तो सीजनल दुकान की तौर पर मानी जाती है और एक कोरोना का सीजन ही चल रहा है मानो। अगर हम कोरोना के सामान नहीं लाएं तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। पर मार्केट में तो ये चीज है ही नहीं, तो आप कहाँ से लाओगे? अरे इतिहास गवाह है, जब जब चीज़ों की जरूरत पड़ी है न मिलने पर पैदा की गई है। अब सैनिटाइजर और मास्क, यहाँ तक कि कोरोना की दवा भी बनाएंगे। पर कोरोना की दवा तो अभी तक बनी ही नहीं है। वही तो कह रहा हूँ, हम बनाएंगे। जरूरत इंसान को अंधा कर देता है, हमें उसी अंधेपन का फायदा उठाना है। एक काम करो, तुम्हारे घर में जितने फटे पुराने कपड़े के चिथड़े पड़े हैं उन्हें सारा ले आओ और मैं भी ले आता हूँ। क्यों नरेंद्र भाई? उन्हीं कपड़ों को छोटे छोटे काट कर हम उसके मास्क बनाएंगे। और सुनो, हमारे बाथरूम में नहाए और कपड़ा धोने के बाद जितना भी साबुन का पानी इकट्ठा होता है उन्हें सारा का सारा छोटे छोटे बोतलों में भर कर हम उसे सैनिटाइजर के नाम पर बेच देंगे। छी, गंदा पानी इकट्ठा करने की क्या ज़रूरत है? अगर ऐसा ही है तो धोने के पाउडर का ही खोल बना लो। बेवकूफ, उसके महक से ही लोगों को पता चल जाएगा लेकिन गंदे पानी का किसी को पता नहीं चलेगा। और अक्सर हमारे घरों में बीवी बच्चों का तबीयत खराब होता है तो हम दवाई ले आते हैं, वो एक खुराक खाते हैं फिर सारा दवाई पड़े पड़े एक्सपायर हो जाता है। हाँ, मेरे घर में भी ऐसी दवा टेबलेट पड़ी है। वो सारी दवाई टेबलेट लेकर एक दूसरे में मिक्स करके पानी में घोल दो, उसे हम कोरोना वायरस की दवा के नाम पर बेच देंगे। वैसे कोरोना वायरस की दवा तो बनी नहीं है, ऐसे हर कोई इसे ट्राई करने के लिए खरीद लेगा। अलग अलग कपड़े के चिथड़े से बने माँ पब्लिक को उसके ड्रेस के मैचिंग के हिसाब से बेच देंगे। आजकल लोग बीमारी में भी फैशन करना नहीं भूलते और वैसे भी लोग सैनिटाइजर को हाथ में रगड़ कर भूल जाते हैं। उन्हें क्या पता बाथरूम के नहाए और कपड़े धोए पानी का बोतल है। चलो सारा माल रेडी करो। एक गलत बात है नरेंद्र भाई, एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें। अबे चुप, तू यहाँ दोस्त नहीं, मेरा नौकर है, जो कहता हूँ वो कर वरना निकल। लेकिन कुछ नहीं, बड़ा वही बनता है जो मौके का फायदा उठाता है, वरना इंसान गरीबी में चप्पल घिसते मर जाता है। समझा? जा सारा माल रेडी कर। अरे वाह, मान गए नरेंद्र भाई, यहाँ आस पास में सैनिटाइजर और मास्क कहीं नहीं मिल रहे पर आपके पास तो भरपूर स्टॉक है। क्या करे जनाब, उस दिन आप कह गए थे, बड़ी मेहनत से शहर दर शहर ढूंढ ढूंढ कर घूम घूम कर लाया हूँ। लेकिन ये मास्क इतने कलरफुल क्यों हैं? भाई थोड़ा महंगा मिला है, एक ही कलर का ले आता तो बहुत ही सस्ता पड़ता, लेकिन अलग अलग कलर का इसलिए लाया हूँ ताकि भाइयों को तो चल जाता है लेकिन बीवी और बच्चों का फैशन का भी ख्याल रखना पड़ता है ड्रेस के मैचिंग हिसाब से। अरे लाओ भाई, जल्दी से मास्क और सैनिटाइजर मुझे भी दे दो, इतनी न्यूज आ रही है कि हाथ मत मिलाओ और दूर से भी नमस्ते करो, फिर भी लोग हाथ में हाथ घुसा ही देते हैं।
अरे यार सर, बहुत बदबू आ रहा है। मैंने भी यही कहा था, कोरोना वायरस के हिसाब से थोड़ा अलग हटके बनाया है। अच्छा, इसलिए 3 बोतल दे दो और मास्क। अरे यार सुना है तुम कोरोना वायरस की दवा भी ढूंढ कर लेकर आए हो। हाँ भाई, आप लोगों के लिए सब कुछ ढूंढ ढूंढ कर लाना पड़ा। ये देखो अभी अभी मार्केट में नया आया है। लाओ यार लाओ, 3 बोतल मुझे भी दे दो। 3 बोतल क्यों भाई? कोरोना वायरस की बीमारी इतना फैल रहा है कि मार्केट में दवा नहीं मिल रहा। क्या पता इनकी भी सारी दवाई बिक गई तो। मैं अभी से स्टॉक कर लेता हूँ। सही बात है, लाओ 4 बोतल मुझे भी दे दो। और देखते ही देखते नरेंद्र भाई के दुकान पर कस्टमर की भीड़ लग गई। जब बात आसपास के गांवों और नगरों तक पहुंची कि नरेंद्र भाई की दुकान पर मैचिंग के मास्क, नए तरह के सैनिटाइजर और कोरोना की दवा भी मिल रही है, तो कस्टमर टूट पड़े। अब तो उसके दुकान का माल अपने गांव में ही नहीं, आसपास के दूर दूर तक के शहरों से भी डिमांड आने लगी। राजू अब भी उसे समझने से नहीं चुका था। वाह, दिन भर में आजकल पूरी तिजोरी भर जाती है। नरेंद्र भाई, लेकिन आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। क्या हुआ? लोग माल ले जा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे तुझे प्रॉब्लम क्या? भैया भैया, शहर से बड़े भैया का फोन आया था। पापा का बहुत तबीयत खराब हो गया है, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है, पापा आपको बुला रहे हैं। ऐसे कैसे खराब हो गया, क्या हुआ? पता नहीं। राजू तू टाइम पे दुकान बंद कर लेना, मैं चलता हूँ। क्या हुआ, क्या हुआ पिताजी को? पिताजी ठीक तो है ना? देखिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, ये कोरोना का केस है, कम से कम 14 दिनों तक आइसोलेशन में रखना पड़ेगा। क्या 14 दिन? हाँ, कोरोना वायरस के मरीज को 14 दिनों तक आइसोलेशन में रखा जाता है। लेकिन पिताजी को कोरोना वायरस कैसे हो गया? क्या आपने ख्याल नहीं रखा था भैया? पूरा ख्याल रखा था भाई। कैसे ख्याल रखा था? कोरोना वायरस से बचने के लिए कम से कम दिन भर में हाथ तो धोते रहना चाहिए था ना। अरे अपने भाई पर गुस्सा क्यों हो रहा है? सारे दिन हाथ धो रहा था, सैनिटाइजर भी लगा रहा था, मास्क भी लगाया था और जो कोरोना की नई दवाई थी उसे भी खाया था। क्या ये सब? 2 दिन तक खाया, फिर कोई फायदा नहीं हुआ, फिर हॉस्पिटल आया। देखिए अगर पेशेंट को लाने में 1 दिन भी और देर हो जाता तो कुछ भी हो सकता था। ये बहुत सीरियस केस है और कुछ भी नहीं। नहीं डॉक्टर साहब ऐसा मत कहिए, कैसे भी करके मेरे पिताजी को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। देखिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं वो कौन लोग हैं जो नकली दवाइयाँ बनाकर मार्केट में बेचते हैं, अपनी तिजोरी भरने के लिए लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप पिताजी को बचाने की। तुम सही कह रहे थे मेरे दोस्त, आज एक बात मेरे समझ आई, जो इंसान मौके का फायदा उठाता है वही अमीर बनता है, लेकिन जो इंसान मौके का गलत फायदा उठाता है उसे अंत में इस पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलता। मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त, तुम्हारे लाख समझाने के बाद मैं तुम्हारी बात नहीं करूंगा। अरे नहीं भाई, माफ मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तो पछतावा हुआ ना बस उतना ही बहुत काफी है, माफ मत मांगो। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि कुछ लोग थोड़े से पैसा कमाने के लिए कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जिनका खामियाजा हमारी समाज को, यहाँ तक कि हमारी फैमिली को भुगतना पड़ता है। गाइस, मौके का फ़ायदा उठाना एकदम सही चीज़ है, लेकिन उसी मौके का गलत तरीके से इस्तेमाल करना एकदम गलत है। गाइस, मौके का फ़ायदा उठाओ सही है, लेकिन उस मौके का गलत तरीके से इस्तेमाल करो ये गलत है।